हेलो फ्रेंड्स, NIOS से 12वीं क्लास सीनियर सेकेंडरी कोर्स के अरबिक बुक 341 नंबर का चैप्टर नंबर 1 का आज हम पढ़ने वाले हैं। तो राइटर ने सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले इसका मकसद बतलाया है कि पहले चैप्टर जो है इसका मकसद क्या है। चैप्टर नंबर में उन्होंने हेडलाइन पे हेडलाइन तय किया है मा अजमल दिया, और आगे उन्होंने मकसद भी बतलाया इस चैप्टर का, और बतलाते हुए कहा यह दिफ हाजर दस हाजर दरसो तालीम उसलूब ताज्जुब फिल लुगा अल अरबिया अंतरीके कसीदतिन उन्वानहा मा अजमल ज़िया। यानी इस चैप्टर का मकसद है कि ताज्जुब के अंदाज को बतलाना बच्चों को कि लुगा अरबिया में ताज्जुब का उसलूब क्या है, तरीका क्या है, और एक ऐसे कसीदा के जरिए सिखलाया जाएगा जिसका उन्वान होगा मा अजमल ज़िया। तो दोस्तों, हम चैप्टर शुरू करेंगे इस तरह से कि सबसे पहले हम उसके जो नस हैं और इबारात हैं उनको पढ़ेंगे, पूरी इबारात को पहले पढ़ लेंगे, फिर इबारात को पढ़ने के बाद तर्जुमा करेंगे, तर्जुमा करने के बाद फिर हम बतलाएंगे कि कौन सा सेंटेंस इन्होंने यूज किया बार बार ताज्जुब के लिए। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं उसकी इबारत को, सेंटेंसेस को। तुशक्षिको अत्तुयूरो फरहानतन बिन नूरे تقول في سرور ما أجمل الضياء والحقل والزهور والجدول الصغير تقول في سرور ما أجمل الضياء والولد الصغير والرجل الكبير يقول في سرور ما أجمل الضياء ما أجمل الضياء يشرق بالبهاء في الأرض والسماء ما أجمل الضياء لك يا رب نصلي كل صبح ومساء أنت سويت لنا الأرض وأبدعت السماء وجعلت الشمس قرصا يتهادى في الفزاء يرسل الدفء ويحبون بألتاف الزياء وأمرت الأرض فاهتزت وفازت بالنماء ووهبت الناس رزقا وشرابا وكساء فلك التمجيد يا رب وموفور الثناء. فريند آئے ہم پھر اس کا ترجمہ کو سمجھ لیتے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے, इसके जबर जेर पेश को किस लफ्ज को जबर जेर पेश देंगे, हमने देख लिया, सुन लिया. अब हम इसका तर्जुमा करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. तो शख्स को तुयूरो, शख्स का शख्स को, इस किताब के आखिर में भी कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए वर्ड मीनिंग्स का, उसको भी
पढ़ लिया करें, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी पढ़ लें और ताकि ये तर्जुमा करने में आसानी हो। तो तुशक्सियों का माना होता है आवाज़ करना, चिल्लाना, जैसे परिंदे गुनगुनाते हैं, आवाज़ करते हैं, चिल्लाते हैं। तुशक्सिक तुयूर, तुयूर के माना होता परिंदा। परिंदे गुनगुनाते हैं, आवाज़ करते हैं, फरहानतन बिन्नूर, फरहाना के माना होता है खुश होकर, नूर के माना होता रोशनी। रोशनी से खुश होकर परिंदे चहचहाते हैं, आवाज़ करते हैं। तकूलु फी सुरूरिन, सुरूर के माना होता है खुशी। फी मन में, तकूलु मैंने कहती है, कहते हैं परिंदे खुशी में कहते हैं, मा अजमल ज़िया। अजमल के माना खूबसूरत, सुपरलेटिव डिग्री है। अज़िया, ज़िया के माना होता रोशनी, नूर। माँ यहाँ पे ताज्जुब के लिए, ताज्जुब का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। माँ, माँ अजमला ज़िया, रोशनी क्या ही खूबसूरत है। वल हक्लो वज़ुहूर, हक्ल के माना होता फील्ड, खेती, खेत। ज़ुहूर के माना फूल, चाहे जिस तरह के भी फूल हों। वल जदवल असगीर, जदवल के माना चार्ट होता है असल माना, लेकिन यहाँ पे राइटर ने जदवल से मुराद वो नालियाँ जिसमें ना पानी, साफ सफा पानी बह रहे हों, छोटे छोटे नदी टाइप के हो या फिर नहर टाइप के हो, वो मुराद लिया है। वल जदवल सगीर के माना वही कैनल बोलते हैं इंग्लिश में, छोटे छोटे नालियाँ, पान बहते हुए चश्मे वाले नालियाँ। खेत, फूल और छोटे छोटे चश्मे, बहते हुए चश्मे। तकूलु फी सुरूरिन, खुशी में कहते हैं, मा अजमल ज़िया, रोशनी क्या ही खूबसूरत चीज़ है, क्या ही खूबसूरत है। वल वलदु सगीरो, छोटा बच्चा। वल रजुलुल कबीरो, और बड़ा आदमी। यकूलु फी सुरूरिन, खुशी में कहते हैं, माँ अजमल ज़िया, रोशनी क्या ही खूबसूरत चीज़ है, क्या ही खूबसूरत है। माँ अजमल ज़िया, रोशनी क्या ही खूबसूरत है। यशरुको बिल बहाए, यशरुको के माना तुलू होना, जाहिर होना, रोशन होना। बहा के माना खुशी, जो खुशी के साथ और शान के साथ जाहिर होती है। फिल अर्द, ज़मीन में। वस्समाए, और आसमान में। मा अजमल ज़िया, रोशनी क्या ही खूबसूरत तरीन है। लका, ला ये हर्फ जार है, ला का माना के लिए, का का माना तेरे, तेरा, तेरे, तुमको, तेरे ही लिए। या रब, अय रब, तेरे ही लिए। लका या रब, तेरे ही लिए या रब। नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। कुल्ल सुबहिन व मसा, हर सुबह और शाम। मसा के माना होता शाम। अंत सव्वैत लना अल अर्द, अंत मन तुम। सव्वैत गमा सव्वा, सफी का माना होता है बराबर करना, मुसत्ता करना। अर्ज के माना जमीन। अंता सव्वैता, लना के माना हम सब के लिए। अंता, तूने। सव्वैता, दुरुस्त किया, बराबर किया। लना हमारे लिए, अल अर्जा, जमीन को। तूने हमारे लिए जमीन को मुसत्तह किया, बराबर किया। व अब्दअता अस्समा, और आसमान को पैदा किया। वजअलता शम्सा, और तुमने सूरज को, तूने सूरज को कुरसन, किरण अता किया। रोशनी, सूरज की रोशनी को किरण बोलते हैं, उसी को कुर्स बोलते हैं अरबी में। यतहादा फिल फिजाए, जो फिजा, फिजा में फैल जाती है। युरसिलो अद्दिफा, गर्मी भेजती है। वयुहिब्बुना बे अल्ताफिजिया,
और हमसे मोहब्बत करती है। रोशनी, पुरलुत्फ रोशनी, मज़ेदार और ख़ूबसूरत रोशनी के ज़रिए हमसे मोहब्बत करती है, या ख़ूबसूरत रोशनी पेश करके देकर हमसे मोहब्बत करती है। वो अमर तल अर्ज़ा, और ऐ मेरे रब तूने ज़मीन को, अमरता तूने हुक्म दिया, अल अर्ज़ा ज़मीन को, फहतज़त जो हिल जाती है, वफाज़त बिन नमा जो हिल जाती है, ये इशारा है उस वक्त की तरफ जब कोई दाना डालते हैं ज़मीन पे तो ज़मीन हिलती है या फट जाती है और फिर दरख्त पेड़ पौधे उसमें नमू होते हैं। वफाज़त बिन नमा, नमा के माना होता है पलना, बढ़ना, बड़ा होना। और फिर वफाज़त बिन नमा और दरख्त बढ़ते हुए दरख्त पेड़ पौधे के ज़रिए वो फाइज होती है। वहाबत नासा, और तुमने ऐ मेरे रब तूने ही लोगों को, नास मन लोग, वहबता तूने अता किया रिज़्क़न, रिज़्क खाना, व शराबन और पीना, व किसान और कपड़ा पहनने की चीज़, तूने ही खाना पीना और कपड़ा इंसान को अता किया। फलकत तमजीद, तेरे ही तारीफ है, तेरी ही बुजुर्गियत है, बाबरकत तारीफ तेरे ही लिए है या रब, ऐ मेरे रब, व मौफूर सना और बहुत सारी तारीफ तेरे लिए है। तो दोस्तों, हमने कैसे पढ़ना है वो भी सुन लिया और इसका तर्जुमा भी हमने सुन लिया। इसमें हमें मुसन्निफ़ ने ये बताया कि ताज्जुब कैसे करते हैं। ताज्जुब के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्ड का इस्तेमाल होता है और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, मा लगाकर सुपरलेटिव डिग्री, जैसे अजमाला, अकमाला, अशरफा, इस टाइप के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे कोई भी शब्द जिसके बारे में तारीफ की जाती है वो यूज़ किया जाता है। मा क्या ही अजमाला, खूबसूरत है, अजिया रोशनी, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, मा अजमाला जिया रोशनी, क्या ही खूबसूरत शय है, क्या ही खूबसूरत चीज़ है। इसी शब्द को, सेंटेंस को राइटर ने बार बार इस्तेमाल किया और बतलाया कि ताज्जुब का लफ्ज कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आमतौर पर यह भी मिसाल ले सकते हैं, अगर अजमला ही को यूज़ करेंगे, मसलन किसी का नाम ले लें, जैसे मोहम्मद किसी का नाम है या फिर राम किसी का नाम है, तो माँ अजमला के बाद मोहम्मद को या फिर राम को या फिर जो भी नाम है जिसके बारे में भी तारीफ करने का दिल करे, तो उसका नाम या तो फिर कोई सामान, कोई मोबाइल, किसी भी चीज़ का नाम माँ अजमला के बाद अगर यूज़ कर देंगे तो भी उसकी तारीफ खूबसूरती के बारे में हो सकता है। और अगर किसी के बारे में मजबूती के बारे में कहेंगे तो अजमला की जगह अकवा, माँ अकवा, क्या ही मजबूत है हज़ल जवाल ये मोबाइल। तो इस तरह से अजमला की जगह कोई भी लफ्ज जिसके बारे में आप, जिस चीज़ जैसे भी आप उसकी तारीफ करना चाहें, खूबसूरती का हो या फिर मजबूती का हो या फिर किसी भी एतबार से, तो अजमला की जगह पे उस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं और माँ को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और तीसरे नंबर पे उस चीज़ का नाम। तो आई होप यू ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों अहबाब को, जो भी आपके साथ या फिर आपके जानने वालों में से इस क्लास की तैयारी करते हैं, 12th क्लास की, ये नायवास से